स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम हीट कैपेसिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो हीट कैपेसिटी होता क्या है? किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस रेज करने के लिए हमें जो हीट सप्लाई करनी पड़ती है, वही उस सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी होती है। हीट कैपेसिटी को हम कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। इसका मतलब है कि यह सब्सटेंस की क्वांटिटी पर डिपेंड करेगी। यदि किसी सब्सटेंस की हीट कैपेसिटी ज़्यादा आती है, इसका मतलब है उस सब्सटेंस का टेम्परेचर बढ़ाने के लिए हमें ज़्यादा एनर्जी सप्लाई करनी पड़ेगी। यदि किसी सब्सटेंस का टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज करना है, तो हमें ज़्यादा हीट सप्लाई करनी पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं हीट सप्लाइड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर। अगर हम प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएं, तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है, और यही कांस्टेंट हमारा होता है हीट कैपेसिटी। इस इक्वेशन से अगर हम हीट कैपेसिटी की यूनिट निकालें, तो जूल पर केल्विन आती है। तो चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ हीट कैपेसिटी की। डिफरेंट डिफरेंट जगह पर हीट कैपेसिटी को डिफरेंट डिफरेंट तरीके से डिनोट किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पर दो तरह की हीट कैपेसिटी पढ़ेंगे। पहली हीट कैपेसिटी है मोलर हीट कैपेसिटी, जैसा कि नाम में ही क्लियर है। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए हमें जितनी हीट सप्लाई करनी पड़ती है, उसी को हम उस सब्सटेंस की मोलर हीट कैपेसिटी कहते हैं। सिंस यह पर मोल डिफाइंड होती है, तो यह एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। मोलर हीट कैपेसिटी को हम हीट कैपेसिटी पर मोल के टर्म्स में भी लिख सकते हैं। तो मोलर हीट कैपेसिटी के टर्म्स में हीट का एक्सप्रेशन कुछ इस तरह से आता है, क्यू इज इक्वल टू एन सी एम डेल्टा टी। मोलर हीट कैपेसिटी की एसआई यूनिट जूल्स पर केल्विन पर मोल होती है। अब हम बात करते हैं स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की। तो किसी भी सब्सटेंस के 1 किलोग्राम मास का टेम्परेचर 1 डिग्री रेज करने के लिए हमें जो हीट सप्लाई करनी पड़ती है, उसे ही हम स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कहते हैं। सिंस यह भी पर यूनिट मास डिफाइंड है, तो यह भी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, या फिर हम इसे हीट कैपेसिटी पर यूनिट मास के टर्म्स में लिख सकते हैं, जिससे हीट का एक्सप्रेशन एम सी एस डेल्टा टी के इक्वल आ जाता है। यदि हम इसकी एसआई यूनिट के बारे में बात करें, तो इसकी एसआई यूनिट जूल्स पर केल्विन पर किलोग्राम होती है। इस चैप्टर में हम गैसियस सिस्टम के बारे में बात करते हैं, और गैसियस सिस्टम के लिए हीट कैपेसिटी दो तरह से डिफाइन की जाती है, सीपी और सीवी। सीपी जो होता है वो होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, वहीं सीवी होता है मोलर हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो चलिए सीपी और सीवी के बीच में रिलेशन देखते हैं। यदि हम कांस्टेंट वॉल्यूम पे हीट सप्लाई के बारे में बात करें, तो यह एन सी वी डेल्टा टी के इक्वल होता है। हमने अभी अभी देखा है कि कांस्टेंट वॉल्यूम पर हीट एक्सचेंज चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होता है। वहीं अगर हम कांस्टेंट प्रेशर पे हीट सप्लाई के बारे में बात करें, तो इसे हम एन सी पी डेल्टा टी लिख सकते हैं। और हम यह भी जानते हैं कि कांस्टेंट प्रेशर पर हीट एक्सचेंज एंथैल्पी चेंज के बराबर होता है, और हम जानते हैं कि चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस चेंज इन प्रेशर इनटू वॉल्यूम के इक्वल होती है। यदि हम 1 मोल गैस के बात करें और आइडियल गैस इक्वेशन का यूज़ करें, तो चेंज इन एंथैल्पी चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस आर इनटू डेल्टा टी के इक्वल आ जाती है। तो ऊपर लिखे हुए एक्सप्रेशंस को हम इस एक्सप्रेशन में पुट करें और सॉल्व करें, तो हमें सी पी माइनस सी वी की वैल्यू आर के इक्वल आ जाती है। तो यही हमारा सी पी और सी वी के बीच में रिलेशनशिप होता है।